पहाड़ों की याद आ रही है। वैसे मैं आज तक पहाड़ों में गया नहीं हूँ। ये है कुछ मेरे पीछे साइड का एंगल, ये पूरा ये सनलाइट पड़ रही है इस वाले बादल पे, ऊपर पूरे काले काले बादल हैं भाई यार। सो भाई अब कपड़े धो दिए हैं तो गाड़ी भी धुल देते हैं साथ में ही। तो भाई अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर। ओ भाई अबे ये तो गाड़ी के अंदर पानी आ गया। बे यार ये विंडो खुली हुई थी क्या यार? मुझे तो बंद लग रही है, पर पानी अंदर कैसे आ गया? सो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर और अभी हम लगाने जा रहे हैं एक राउंड, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में भी बताया था कि यार जब आप गाड़ी वॉश करते हो तो गाड़ी वॉश करने के बाद में 3.5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर गाड़ी को चला लिया करो, क्योंकि देखो गाड़ी के जो ब्रेक पैड्स होते हैं ना उसमें नुकसान हो जाता है। ऐसे मुझे भी किसी ने बताया था, लेकिन जहां तक ऐसा ही होता है एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लेना वैसे, पर मेरे हिसाब से होता है ऐसा। भाई एक बार ये ऊपर के क्लाउड्स देखो यार, कितने मतलब देख रहे हो ना, मतलब यार कुदरत का करिश्मा इतना तगड़ा है, देख लो एक बार आप। सो भाई अब बारिश अब तेज स्टार्ट हो गई है और हमें जाना होगा अब घर, वरना हमारी हो जाएगी पिटाई। सो चलते हैं अब, और क्या, पिटाई से तो बचना ही है क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई और गाड़ी से घुमाना ठीक नहीं है बारिश में। हमारा आज वाला ब्लॉग हो चुका है अपलोड, अभी यह टाइम हो रहा है शाम के 6, बट ब्लॉग अपलोड हो गया था हमारा 5 o'clock मतलब शाम को। कुछ टाइम में थोड़ा डिफरेंस चल रहा है इस टाइम, क्योंकि अभी मतलब फिर पढ़ाई पे फोकस चल रहा है, इसलिए कुछ असाइनमेंट्स कर रहे हैं अभी हम स्कूल के, इस वजह से थोड़ा टाइम लेट हो जा रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोगों को ये टाइम पसंद आ रहा हो तो अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में बता देना। और अभी हम अपने इस वाले फ़ोन को लगाएंगे चार्जिंग पर, बाय द वे हमें इसकी डिस्प्ले बदलवानी है क्योंकि इसकी डिस्प्ले तो टूट चुकी है। जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा होगा कल मैं न्यू मार्केट गया था सोनू भाई के पास में, अगर आपने वाला ब्लॉग नहीं देखा तो वो इससे पहले वाले ब्लॉग है, आप मेरे डेली ब्लॉग वाले प्लेलिस्ट में जाके वो चेक कर सकते हो। सो मैं ये वाला फ़ोन भी रिपेयर करवाऊंगा, अभी नहीं कुछ दिन बाद करवाएंगे, क्योंकि यार पैसे नहीं हैं हमारे पास, हैं बट खर्च नहीं करना चाहते अभी। सो इस फ़ोन को भी लगाते हैं चार्जिंग भी फिलहाल। सो भी आ रही है रियान की कॉल। हाँ अभी निकल रहा हूँ, ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, आ गया बस, आ रहा हूँ। सुबह भी रियान की कॉल आई थी, रियान बुला रहा है पार्क में। सो चलते हैं, हम इस वाले फोन की डिस्प्ले इसलिए चेंज करवाने वाले हैं क्योंकि मुझे सोनू भाई ने बताया था कल कि अगर डिस्प्ले टूट जाते हैं तो डिस्प्ले चेंज करवा लिया करो, मतलब जो ग्लास होता है ऊपर वाला, वरना उसके अंदर की जो फोल्डर्स वगैरह होते हैं मोबाइल में, कुछ फोल्डर सिस्टम होता होगा फोल्डर स्क्रीन वाला, सो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, फिर फोल्डर टच दोनों डलते हैं, ऐसा उन्होंने मुझे बताया, मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसकी डिस्प्ले चेंज करवाऊंगा क्योंकि ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। बाय है 10। सो भाई मैं जस्ट अभी घर से बाहर निकला था और एक बार अब सामने का व्यू देखो, सुबह जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि आजकल बारिश का मौसम हो रहा है तो काफ़ी अच्छा वेदर रहता है और बादल से मतलब तगड़े तगड़े डिज़ाइन से बन जाते हैं। सो अभी वैसे मैं जा रहा हूँ पार्क में, जैसे कि आपने देख लिया था रियान की कॉल आ गई थी मेरे पास, सो चलते हैं सीधा पार्क में क्योंकि रियान पार्क में मिलेगा हमें। बाकी मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, गर्मी इतनी फील नहीं हो रही जैसे पहले उमस ज़्यादा फील हो रही थी, मतलब पहले से बेटर वेदर हो चुका है अब। और भैया क्या हाल है? बढ़िया, रसुल्तान लेटा है और खा ले। अरे 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 बस बस बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है। सो भाई ये सुल्तान जो है ये भैया कही है, भैया का नाम विपिन है। और कैसे हो भैया? वैसे भैया से मैं पहले मिल लिया था, भैया कहाँ से लेके आए सुल्तान को? पंजाब।
पंजाब से ले गए, मतलब पंजाब में कहाँ कुछ आइडिया? पंजाब में गांव है, नहीं गांव अगर सिटी हो तो बता देते, पर कोई दिक्कत नहीं, काफी चंडीगढ़ से लेके आए थे। चलो कोई नहीं, पर कोई दिक्कत नहीं, काफी अच्छा है सुल्तान। ये मतलब ये पिटबुल है ना? हाँ, तो ये पिटबुल है वैसे, बाकी मुझे भी पता है पिटबुल ही है, मैंने बता दिया था काफी लोगों को, मैंने भी पहले पिटबुल ही बताया था इसे, पर अब मैंने इसके मालिक से आपको मिलवा दिया, कन्फर्म हो गया कि हाँ भाई ये पिटबुल ही है। ओके सर, यान जब से फोन मार रहा है तो क्यों मारने देते फोन मुझे? यहाँ बैठिए, क्या करूँ? कभी कहता है थोड़ी देर यहाँ बैठा, कहता है घूम के आते हैं। तो कहाँ चलना है तो बता दे भाई। रिंग रोड। भाई मैं शाम को रनिंग करने जाऊँगा। कैसा है बढ़िया? देवान क्या हाल है? और भाई पेट है एकदम मर्ची को? मेरा बड़ा तो डर रहा है मेरे से। डर गया? डरा हुआ बात कर। और बढ़िया। सो भाई अभी ये लोग यहाँ पर खेल रहे हैं फुटबॉल, एक बार मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि आज मुझे खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे। भाई मुझे खिलाओगे? खिलाओगे? चलो ठीक है, तो अभी मैं जैकेट पहन के आता हूँ क्योंकि पसीना आने वाले हैं, तो यार टीशर्ट पूरी भीग जाती है। जैकेट पहन के आता हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं। भाई टीम में बांट लेना मुझे भी, ठीक है? यार वैसे ही अपनी जैकेट मतलब धुली नहीं है, दो तीन दिन से वैसे अपनी जैकेट धुली नहीं है, जैकेट में काफ़ी पसीने की स्मेल हो रही है। सो ऐसे ही खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कल जैकेट धुल जाएगी तो फिर जैकेट पहन के आ जाएंगे। अबे ये क्या बना हुआ है? ये क्या बना हुआ है ऊपर, देख तो सही क्या बना हुआ है। और भाई ये देखो झूले का हाल। और भाई क्या हाल है? अब भी नहीं छोड़ रहे झूले को, अब टूट के अब तो छोड़ दे इसे। ओह सुल्तान भी खेल रहा है, पकड़ पकड़ पकड़। और सुल्तान बोल ले, बोल ले, आ जा आ जा आ जा। कितने गोल हो गए तुम्हारे? एक ही हुआ है अभी। अभी भाई भाई अभी आ गए हैं घर, चल रही है दो मिनट मारो है ना, थोड़े बहुत देर खेल लिए और बाकी मन नहीं करा खेलने, अभी बच्चे हैं यार, बच्चों को उनका अपना गेम खेल ले दो, बे मतलब बच्चों की गेम में पढ़ना नहीं चाहिए। तो भाई अभी हम जा रहे हैं इस वाले मतलब ब्लॉक की छत पे। पेड़ आ गया अबे यार। सो भाई वैसे मतलब मौसम तो काफी अच्छा हो गया है, ये देखो भाई पीछे कितना तगड़ा व्यू आ रहा है, लेकिन जिस सनसेट के लिए हम छत पे आए थे, मैं पीछे वाले दिखाता हूँ एक सेकंड रुको, मैं वो तो पीछे वाले पेड़ है, उन्होंने वो सनसेट को मतलब बर्बाद कर, बर्बाद तो नहीं किया, वो तो अपनी पोजीशन पे ही रहेंगे, लेकिन फिर आज तो खैर सनसेट में मिल नहीं पाया, लेकिन किसी और दिन तो ज़रूर मिल जाएगा अगर भगवान की दुआ रही तो। हम उस वाले दिन का इंतजार करेंगे वहाँ पे। ये देख ये क्या बन रहा है, होल सा देख। ओ भाई वो सामने वाला ना उधर ना, होल सा बन रहा है और पीछे काले बादल हैं। ओ भाई सो गाइस आप एक बार मेरे पीछे साइड का व्यू देखो यार, पहाड़ों की याद आ रही है। वैसे मैं आज तक कभी पहाड़ों में गया नहीं हूँ, पर लेकिन काफी अच्छा व्यू आ रहा है पीछे को, वो वाला बादल देखो उस साइड वाला, और सारे बादल देखो काफी अच्छे लग रहे हैं यार। मतलब काफी दिनों बाद काफी दिनों बाद ऐसा व्यू देखने को मिला है। सो भाई अभी मैं शूट कर रहा था तो मेरे को बाद में पता चला कि वो प्रॉपर शूट नहीं हो पाया। सो ये देखो ये है कुछ मेरे पीछे साइड का एंगल, ये पूरा ये सनलाइट पड़ रही है इस वाले बादल पे, ऊपर पूरे काले काले बादल हैं। भाई यार इतना तगड़ा व्यू मैंने तो नहीं देखा भाई, जिन लोगों ने देखा है वो बताना कमेंट सेक्शन में, लेकिन काफ़ी तगड़ा व्यू, बहुत काफ़ी नहीं बहुत 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 तगड़ा व्यू आ रहा है, और अपने ऊपर एक पूरा काला बादल है। और एक कौन बैठा हुआ? रियान ये क्या कर रहा है बैठ के? स्टोरी डाल ले, फिर डाल ले। भाई मुझे काफी अच्छा व्यू लगा, अगर आपको भी वाला व्यू अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको ये व्यू कैसा लगा, अच्छा बुरा जो भी लगा मुझे बताना, और अगर आपने ऐसा व्यू पहले कभी देखा है तो वो भी बताना, मैंने तो कभी नहीं देखा, जिन लोगों ने देखा है प्लीज मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और हाँ भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना, आप तो वीडियो को लाइक कर ही दो, अगर इतना अच्छा व्यू आपको मैंने दिखा दिया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सो भाई अभी मैं आ चुका हूँ घर पे और नहा धो के आराम से बैठा था। सो गाइस इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, स्टे सेफ, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, लाइक कर देना याद से है ना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अभी फिलहाल हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घर में कपड़े सुखाने वाला तरीका। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। Is laying next to you.